दोस्तों यूट्यूबर बेशरम अक्की ने अभी एक और एक्सपोज वीडियो बनाई है हेमकुंड फाउंडेशन और साथ ही साथ यूट्यूबर जैसे भुवन बाम एंड आशीष चंचलानी को भी उन्होंने एक्सपोज किया है, ये कहते हुए कि उन्होंने जो है जाने अनजाने में जो है उन्होंने प्रमोट किया हेमकुंड फाउंडेशन को और अभी जो इन लोगों ने जिन्होंने भी डोनेट किया लाखों करोड़ों रुपए वो कहां गया है, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों उसी वीडियो में से एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, पूरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जरूर देखना। हेमकुंड फाउंडेशन उन रोहिंग्या को सपोर्ट करने की बात करता है जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया था, ये रहे प्रूफ, ये रहे आर्टिकल, अगर आपको विश्वास ना हो तो गूगल पे जाकर आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। और आपको पता है रोहिंग्या आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले इस हेमकुंड फाउंडेशन के ओनर का सबसे खास दोस्त कौन है? हमारे भुवन भैया। लेकिन ये सारे बड़े क्रिएटर्स मिलकर कोरोना के नाम पर तुमसे डोनेशन करवाकर ये सारी फंडिंग का यूज रोहिंग्या को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तुम्हें डायरेक्टली तो रोहिंग्या को सपोर्ट करने के लिए नहीं कह सकते ना, क्योंकि तुम लोग चूती हो सकते हो, महाचूती है नहीं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन कर दो। जी हां, मेरी वीडियो आशीष चंचलानी ने भी देखी, पीपोय ने भी देखी और भुवन बाम ने भी देखी, तभी तो भुवन बाम के मैनेजर का डीएम आया था मुझे। बाकी ने देखी या नहीं देखी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद देखी होगी, लेकिन इनमें से किसी ने भी मेरे वीडियो का रिप्लाई नहीं दिया। डोनेशन करते टाइम इन लोगों को हेमकुंड फाउंडेशन की सच्चाई पता नहीं थी, तो कम से कम आकर सॉरी तो बोले जनता से कि हमने आपके पैसे डुबा दिए, उसके लिए सॉरी, हमको इनकी हकीकत पता नहीं थी। और अगर ये लोग गलत नहीं है तो इनको आकर सॉरी बोलना चाहिए, और अगर ये सॉरी नहीं बोलते तो इससे सिर्फ यही सिद्ध होता है कि इन लोगों ने जानबूझकर फंडिंग करवाई, डोनेशन करवाया। और अगर इन लोगों ने इस वीडियो के बाद भी हेमकुंड को लेकर अपनी कोई राय नहीं रखी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इन लोगों ने जानबूझकर ये डोनेशन स्कैम किया।